नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. अ बाइसिकल रन विथ अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. वेरी सिंपल, 64 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है. वी आर गोइंग टू चेंज इन टू मीटर पर सेकेंड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? मीटर पर सेकेंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1000 अपॉन 3600, यही तो करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई विथ 1000 अपॉन 3600. तो 20 विल कैंसिल 20 एंड 64. तो हम कोई नंबर पता करो आप जिसको दो दोनों को डिवाइड कर दे. नाउ डिवाइड दिस 10 बाई 2 एंड 36 ऑल्सो बाई 2. एज यू नो इट विल कम 5/18, क्योंकि 1000 अपॉन 3600 का जो शॉर्ट लोवेस्ट फॉर्म होता है दैट इज 5/18. तो 64 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18. अब इसको दोनों को अब सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ राहुल रन इन अ स्पीड ऑफ ऑन रनिंग ट्रैक. ओके, राहुल एक रनिंग ट्रैक पे रन कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर. राइट, इट्स मीन 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राहुल एक रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहा है. सो उसको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अगेन टाइम इज आस्किंग. तो अगेन हम फॉर्मूला लिख देंगे वहीं. फॉर्मूला इज डी इज इक्वल टू टी इन टू एस, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड. मैंने सबको ऑलरेडी बता दिया है कि टी टाइम, एस स्पीड और डी डिस्टेंस है. अब इस सबका वैल्यू लिख दो आप. ओके, द डिस्टेंस इज गिवन 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस एंड द टाइम इज नॉट गिवन. टाइम इज आस्किंग कितना समय लगेगा एंड स्पीड इज गिवन 16 किलोमीटर पर आवर. देखो पर आवर में दिया है तो हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. टी इज आस्किंग, तो टी इज इक्वल टू 50 है इस साइड, जो टी के साथ हो वो नंबर इधर डिवाइड करने आएगा. यू ऑलरेडी नो इट, 50 डिवाइड बाई 16 हम कर देंगे यहाँ पे. डिवाइड 50 बाई 16, वट एवर यू आर गेटिंग दैट विल बी द टाइम. आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. सॉल्व इट, 3.12 आवर समथिंग विल बी द आंसर. सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइक कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स. कोई भी डिस्टेंस एक बाइक वाला कितने टाइम में कवर करता है? 4 आवर में. एंड द स्पीड इज 64 किलोमीटर पर आवर. उसका स्पीड बाइक का क्या है? 64 किलोमीटर पर आवर है. फाइंड द डिस्टेंस. देखो यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है एंड डिस्टेंस इज आस्किंग. तो आपको क्या करोगे आप? यू विल मल्टीप्लाई बोथ टाइम एंड स्पीड एंड यू विल गेट वॉट? डिस्टेंस. डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज मुकुल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एट 7:45. देखो मुकुल अपने घर से 7:45 पे स्टार्ट करता है कहीं जाने के लिए एंड रीच हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाता है. और अपने ऑफिस में कब पहुंचता है? 9:15 में. ठीक है, तो 9:15 पे अपने ऑफिस में पहुंचता है. व्हेन ही स्टार्टेड? 7:45 पे ही स्टार्टेड. ओके, तो आप इसको सबट्रैक्ट कर दो. आप देख लो कि हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग टू गो फ्रॉम होम टू ऑफिस, अपने ऑफिस में जाने में वो कितना टाइम ले रहा है. अब इसको सबट्रैक्ट कर दो. ये टाइम है ना, मैंने टाइम का सबट्रैक्शन बताया हुआ है ऑलरेडी. जब इसको बोरो देगा तो क्या देगा? इधर क्या है? 9 आवर है ना, 9:15 है. तो इधर मिनट है, तो आवर जब मिनट के साइड जाएगा तो 60 देगा हमेशा. एक आवर जब भी देगा ये इसको तो 60 मिनट बन जाएगा इधर. तो अभी 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा. 75 माइनस व्हाट 45. 75 में से 45 सबट्रैक्ट करोगे आप तो क्या बचेगा यहाँ पे? 30. तो इस मीन 30 मिनट यहाँ पे बचा और ये इसको बोरो दे दिया तो कितना बचेगा? 8 8 माइनस 7 1. तो 1 आवर 30 मिनट ही इज टेकिंग, 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा उसको लग रहा है अपने घर पे से ऑफिस में पहुंचने के लिए. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एट द डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम स्कूल इज 48 किलोमीटर. देखो इस वो घर का और ऑफिस का मतलब घर के ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 48 किलोमीटर है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी है? डिस्टेंस इज गिवेन डी एंड टाइम इज गिवेन टी एंड स्पीड. तो आपको स्पीड पूछ रहा है, दिस स्पीड इज आस्किंग. यहाँ पे टाइम 1.5 आवर है, डिस्टेंस आपका कितना है? 48 किलोमीटर है. तो आपको क्या करोगे आप? टी से इसको डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस को. तो अब इसको डिवाइड कर लो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. दीपांकर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. देखो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दीपांकर क्या करता है? ट्रेवल. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1750 मीटर. देखो यहाँ पे भी आपका क्या क्या दिया है? डिस्टेंस इज गिवेन
एंड स्पीड इज गिवेन, टाइम इज आस्किंग। ठीक है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये भी मीटर में है और ये भी स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में, कुछ भी चेंज नहीं करोगे आप, डायरेक्टली ऐसे ही डिवाइड कर दोगे इसको। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। डी अपॉन एस क्यों होगा, क्योंकि एस की वैल्यू दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ है, तो 5 इधर आएगा, इसको डिवाइड करने के, डी क्या है, 1750 है। ठीक है, 1750 को 5 डिवाइड करने आएगा, जो आंसर आएगा ना दैट विल कम इन सेकेंड, मतलब जो टाइम आएगा दैट टाइम विल कम इन सेकेंड। तो आपको दैट टाइम यू हैव टू चेंज इन मिनट्स अगेन, बस आपको यही चीज़ करना है कि जो टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा, उस सेकेंड को आपको फिर से मिनट में करना है। मिनट में कैसे करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, सेकेंड अगर है तो सेकेंड को 60 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ओके, डू दिस क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकांक्षा ट्रेवल्ड 28 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर बाई बाइसाइकिल, फाइंड हर स्पीड। आकांक्षा 28 किलोमीटर चलती है 2 आवर में, आकांक्षा 28 किलोमीटर चलती है। ओके, और ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एवरीवेयर सी, एवरीवेयर वेयर अप्लाइंग दिस सेम फॉर्मूला, स्पीड इज नॉट गिवेन बट टाइम इज गिवेन टू। ठीक है, तो अगेन दिस एस विल कम टू डिवाइड, सॉरी दिस टू विल कम टू डिवाइड दिस साइड ना, क्योंकि एस की वैल्यू पूछ रहा है स्पीड, तो आप क्या करोगे, एस इज इक्वल टू 28/2, तो कितना आ जाएगा आपका, 14। तो 14 क्या होगा, 14 विल बी दी स्पीड, 14 किलोमीटर पर आवर विल बी दी स्पीड। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 2350 किलोमीटर पर आवर, 2350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको यही स्पीड मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल, जब भी कभी किलोमीटर में कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी स्पीड दिया हुआ है, तो नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, कितना बड़ा नंबर है, 2300 है या 2 किलोमीटर है, आपको सेम फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, 1000/3600। तो 2300/50 मल्टीप्लाई 1000/3600। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई इट, सॉल्व एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर 15 मिनट। अभी ये भी पूछ रहा है, जैसे ही आपको स्पीड मिल जाएगा ना, ठीक है, जैसे ही आपको, सॉरी स्पीड तो दिया हुआ है ना, स्पीड अभी दिस मच इन मीटर पे सेकेंड में आपको चेंज कर देना है। ये पूछ रहा है कि 3 आवर 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना करेगा। देखो 2300, इसको थोड़ा सा बता देते, सी 1 आवर स्पीड इज गिवन ना 2350 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक घंटे में 2350 किलोमीटर चलता है, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो एक घंटे में 2350 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, अंडरस्टूड ना, व्हाट इज आस्किंग, 3 आवर 15 मिनट। तो 3 आवर का हमको क्या करेंगे, हम 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2350 में, हमको आंसर मिल जाएगा 3 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट में कितना चलेगा, तो 15 मिनट है ना, मिनट को आपको घंटा में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को अगर आवर में आप कन्वर्ट कर दोगे तो कैसे करोगे, 15/60, अगर हम 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे। देखो जब भी कभी स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी डिवाइड ऑलवेज, हम डिवाइड करते हैं, अगर बड़े यूनिट से छोटे में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, और घंटे और मिनट का रिलेशन क्या है, 60 का, तो 15 मिनट विल बी डिवाइडेड बाई 60, तो ये क्या हो गया, ये भी घंटा बन गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो आप 2350 से, ठीक है, मतलब आपने 3 आवर में कितना डिस्टेंस चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता चल गया कितना डिस्टेंस चलेगा। राइट नो यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 15, तो 15 मिनट से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, क्योंकि स्पीड इसका आवर में दिया हुआ है ना, और आपका ये टाइम जो है मिनट में है, तो पहले मिनट को टाइम आप आवर में कन्वर्ट करोगे कैसे, 15 को 60 से डिवाइड करके। अब जैसे ही आवर में कन्वर्ट हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई 2350 अगेन विद दिस, जो आंसर आएगा, और 3 3 घंटे वाला जो 3 आवर का जो डिस्टेंस आया हुआ है उतना, और इसको दोनों को एड कर दोगे, आपका टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना चलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉल्व, and still if you are having any problem in any question, please ask. Thank you.